हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग अड्डा में। सो गाइस, बिहार पैरा मेडिकल 2022 का काउंसलिंग डेट आज आने वाला है। जैसा कि नोटिस के अकॉर्डिंग कल ही आने वाला था, बट कुछ टेक्निकल एरर के कारण काउंसलिंग लिंक पोर्टल एक्टिवेट नहीं हो सका। सो आज यहाँ आप सभी की लिंक पोर्टल आ जाएगी। तो कितने बजे आ जाएगी दोस्तों, और साथ ही साथ जब लिंक पोर्टल आपकी आएगी, सो आप सभी को कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रेडी रखनी है अपनी काउंसलिंग के लिए, ठीक है? क्योंकि जैसे लिंक आती है दोस्तों, तो आप सभी को अपने को कैसे कॉलेजेस को प्रेफरेंस देंगे, आप सभी कैसे कोर्सेज को प्रेफरेंस देंगे, और साथ ही साथ इसके पहले आप सभी को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या आपके पास रिक्वायर्ड यहां पे होनी चाहिए, आपके पास रहनी चाहिए। सो और ज्यादा रैंक वाले विद्यार्थी भी कैसे काउंसलिंग करेंगे, इसके बारे में भी आप सभी को क्लियर यहां पे बताया जाएगा। सो आप सभी को पेशेंस बनाए रखना है। और यहां पे अगर मैं लिंक पोर्टल की बात करूं, 12 से 1 बजे के बीच में यहां पे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी का जो भी लिंक पोर्टल है उसे एक्टिवेट कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोटिस के अकॉर्डिंग ये भी यहाँ पे क्लियर किया गया था कि आज 9 सितंबर है और आज यहाँ पे आप सभी का यहाँ पे लिंक पोर्टल आ जाएगी। सो आप सभी को पेशेंस बनाए रखना है, और कहाँ पे आपकी लिंक आएगी वो आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो आप सभी को BCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जानी है, और आने के बाद आप सभी को जैसे स्क्रॉल डाउन आप लोग करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो लिखा हुआ है, जस्ट उसी के ऊपर में ही वहाँ शो होगा ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ DCEC। यहाँ पे PE के बदले में क्या रहेगा, PM और PMM रहेगा 2022, ठीक है ना। तो आप सभी को उसी लिंक पे क्लिक करनी है। सो हमारे सामने इंटरफेस आएगा, सो इसके बारे में भी फुली डिटेल्स आप सभी को बताया जाएगा कि जो भी है इसकी क्या प्रोसीजर है काउंसलिंग की, आप सभी को बताया जाएगा। बट आप लोग डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखेंगे। जैसा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात तो आप सभी के पास जीमेल होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद फोन नंबर होना चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, और उसके बाद आप सभी का रैंक कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना, बिहार पीएम पीएमएम 2022 का, ठीक है। सो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है उनके पास ये चारों चीज होनी चाहिए, तभी आपकी यहाँ पे काउंसलिंग हो पाएगी, तभी आप लोग कॉलेजेस को प्रिफ्रेंस दे पाएंगे और अपने कोर्सेज को भी प्रिफ्रेंस दे पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चारों चीज आप सभी के पास दोस्तों यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है ना। और हाँ जी दोस्तों, ये जीमेल आईडी और फोन नंबर वही जीमेल आईडी फोन नंबर वैलिड होगा जब आप सभी ने रजिस्ट्रेशन किया होगा 2022 का फॉर्म अप्लाई करते समय, जो आप सभी ने जीमेल आईडी और फोन नंबर जो दिए थे वही सेम यहां पे होनी चाहिए। कोई अदर अगर आप लोग जीमेल आईडी और फोन नंबर देते होते हैं वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। सो आप लोग इसे एक बार नोट कर लीजिएगा। आई होप आप सभी को यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बट अगर आपके मन में और भी कोई डाउट्स हो और भी कोई कंफ्यूजन हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर वहां से भी पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जैसे लिंक आती है। सो अभी के लिए इतना ही।